मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सागर टीवी न्यूज की खास सीरीज कौन बनेगा विधायक में आपका स्वागत है। आज बात सागर जिले की रेहली विधानसभा की। मध्य प्रदेश की रेहली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पिछले 8 बार से सिर्फ एक ही नेता को चुनती आ रही है। यहां से विधायक हैं एमपी सरकार में सबसे सीनियर विधायक पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव। वहीं बात अगर बीजेपी के दावेदारों की करें तो एकमात्र दावेदार जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो है मंत्री गोपाल भार्गव। साल 1985 से लगातार विधायक हैं। एमपी सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे। 15 महीनों की कमलनाथ सरकार के दौरान वो नेता प्रतिपक्ष रहे। मंत्री गोपाल भार्गव को लेकर कहा जाता है कि उन्हें अपनी विधानसभा के लगभग सभी लोगों से परिचय है। अधिकांश लोगों को वो नाम से और चेहरे से जानते हैं। वहीं उनके कार्यकाल में रेहली विधानसभा के विकास की एक नई परिभाषा लिखी गई है। धर्म और जाति का भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता। मंत्री गोपाल भार्गव के मस्तमौला अंदाज और सादगी अपनेपन की यहाँ की जनता कायल है। रेहली विधानसभा की जनता एक अजय नेता को अपने क्षेत्र की कमान सौंपे हुए है। बीजेपी के दावेदारों में वैसे तो कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव के ही पुत्र अभिषेक भार्गव रेहली विधानसभा से दूसरे दावेदार हैं। उनके पिता की राजनीति को वो बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। 20 सालों से उनके काम में हाथ बटा रहे हैं। उधर अगर किसी कारणवश मंत्री गोपाल भार्गव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अभिषेक भार्गव उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभिषेक भार्गव दमोह लोकसभा सीट से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस के दावेदारों की करें तो रेहली विधानसभा से दो प्रमुख दावेदार हैं। पहले दावेदार हैं कमलेश साहू, जो पिछली दफा मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी में लंबे वक्त तक रहने के बाद मंत्री भार्गव से हुई खटपट के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जब बीजेपी में थे तो दमोह से सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खास थे। कांग्रेस में आने के बाद मंत्री गोपाल भार्गव का खुलकर विरोध करते नजर आते हैं। निर्भीक और स्वतंत्र विचार वाले कमलेश साहू हमेशा मुस्कुराते हुए जनता के बीच पहुंचते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव जहां जमीनी नेता है, वहीं कमलेश साहू भी राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो जमीन पर रहकर आसमान छूने का कलेजा रखते हैं। वहीं कांग्रेस के दावेदारों में दूसरा नाम आता है ज्योति पटेल का। रेहली विधानसभा के नेता रहे पलटू राम पटेल की बेटी हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं। कर्मठ और जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहती हैं। युवा होने के साथ साथ मंत्री भार्गव के खिलाफ आवाज बुलंद करने में सबसे अव्वल रहती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें मौका जरूर देगी। रेहली विधानसभा में इस बार का चुनाव इसलिए थोड़ा हटके है क्योंकि मंत्री गोपाल भार्गव चुनाव जीतते हैं तो वो लगातार 9 जीत हासिल कर एक परचम लहराएंगे। वहीं अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में ये सबसे बड़ी चोट कहलाएगी। तो ये थे रेहली विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी के दावेदार। अगले एपिसोड में किसी दूसरी विधानसभा की चर्चा करेंगे। वहीं अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा Facebook पेज और Instagram पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।